हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। बेटा, एज यू नो, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट ऑन दीज डेज। इन दिनों कोविड-19 अगेन दोबारा से फैल रहा है बहुत ही ज़्यादा। जितने ज़्यादा केस हमारे पहले 7 डेज में होते थे, आज वही केसेस हमारे 2 या 3 डेज में हो रहे हैं। तो आपको पता ही चल रहा है कितनी क्रिटिकल स्टेज है। आप लोगों को अपनी सेफ्टी अपने खुद ही करनी है, अपने आप करनी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार बाहर ना जाएं, कम से कम लोगों से मिले बेटा, ठीक है? और घर पर रहें तो टाइम टू टाइम अपने हैंड को वॉश करते रहें। क्लीन रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और कम से कम लोगों से मिले। जब भी बाहर जाएं तो अपना मास्क वेयर करके जाएं बेटा, और ज़्यादातर कोशिश ये करें कि बाहर जाना अवॉइड करें, ओके? और इसके चलते आपकी हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आपको प्रॉपर स्टडी दे सकें। तो इसीलिए हमने आपका ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है। इसको आप लाइट ना लें बेटा, इसको आपको प्रॉपर वे में वर्क करना है घर पे, जैसे एज हम आपको स्कूल में कराते हैं, बस वैसा ही है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, बाकी सेम वही है। जैसे हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं। एक एक चीज प्रॉपर वे में आपको बताई जा रही है। आपको समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट हमसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अपना प्रॉपर वर्क, राइटिंग वेरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी, ठीक है बेटा? सो इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव डन हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। सो यू ऑलरेडी नो द पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन, ओके बेटा? टुडे वी विल स्टार्ट अवर ग्रामर चैप्टर 1, दी सेंटेंस, ओके? लुक एट हियर, दी सेंटेंस, सेंटेंस हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है बेटा? वाक्य। तो सेंटेंस किन से मिलकर बना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। सो सबसे पहले हमें क्या पता करना है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स किस से मिलकर बना है? तो लुक एट द बोर्ड, वर्ड। ए वर्ड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि लेटर्स से मिलकर बने हैं। वर्ड को हम बोलते हैं हिंदी में शब्द, ठीक है? और लेटर्स को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। इन अक्षर के मिलने से क्या बनता है? एक शब्द बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप क्या होता है? समूह। अक्षरों के समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। देखिए यहाँ पर मैंने लेटर्स लिखे हैं कुछ, जैसे कि ए, जी, ए, आर, डी, ई, एंड एन। तो ये जो हमारी लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स। 6 लेटर्स को मिलाकर क्या बना? एक वर्ड बना। वन वर्ड हमारा क्या बन गया? गार्डन, ठीक है बेटा? लुक मोर एग्जांपल, जी ओ एल डी ई एंड एन, सम लेटर्स जी ओ एल डी ई एन, इसको मिलाकर क्या बनता है एक वर्ड हमारा? गोल्डन। क्या बनता है? गोल्डन, ठीक है? ये एक वर्ड बन गया। इन लेटर्स को, 6 लेटर्स को मिलाकर, कंबाइन करके हमने एक वर्ड बनाया जिसे हम बोलते हैं गोल्डन, ओके बेटा? नेक्स्ट द सेकंड फ्रेज। अब फ्रेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। हिंदी में हम इसे बोलते हैं वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? ए फ्रेज इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं। ग्रुप मीन समूह, ठीक है? ये शब्दों के समूह होते हैं। दैट मेक्स सम सेंस, जो हमें कुछ अर्थ देते हैं, सेंस देते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ऑन द बोर्ड, ऑन
अराउंड द बोर्ड. थ्री वर्ड्स मिलाकर क्या बना रहे हैं, एक फ्रेज ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर. ठीक है, लेकिन इसमें हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है ऑन द बोर्ड. ऑन द बोर्ड क्या हमें नहीं पता, तो ये क्या है हमारा फ्रेज. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को मिलाने से फ्रेज बनता है. ठीक है, जिसका कुछ सेंस निकल के आता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता. लुक एट अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, वाक्य. वाक्य क्या होते हैं, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इज सेंटेंस, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस निकालते हैं, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकालते हैं, जिसका कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आ जाता है. अब यहाँ पर फ्रेज में हमने वर्ड्स को ग्रुप किया तो ये हमारा फ्रेज बना ऑन द बोर्ड, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मीनिंग कह रहा है. यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स लिखे हैं अगेन, देखिए जैसे लुक ऑन द एंड बोर्ड. तो यहाँ पर ये फोर वर्ड्स को हमने कंबाइन करके क्या बनाया, सेंटेंस बनाया. ठीक है बेटा, और ए सेंटेंस इज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ फुल स्टॉप. ठीक है बेटा, जो एक सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर खत्म होता है, और ये हमें कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देता है. लुक ऑन द बोर्ड, मैं आपको जैसे बार बार बोल भी रही हूँ, लुक ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर देखो. तो अब लुक, लुक क्या है, हमारी वर्ब है. मीन्स एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, किसकी नीड होती है, वर्ब की. बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, फ्रेज. जहां पर वर्ब नहीं होती वो फ्रेज होता है, और जहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब आ जाती है वो सेंटेंस होता है. ठीक है बेटा, समझ में आ गया सेंटेंस क्या होता है. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग हम क्वेश्चन मार्क से करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस. और कुछ सेंटेंस होते हैं जिनकी एंडिंग हम एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, वो डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, उसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं. आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार दोबारा से रिविजन ले लेते हैं. अ वर्ड, वर्ड क्या होता है, अ वर्ड इज अ मेड ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स. ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्दों के अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं. अ फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये शब्दों के समूह होते हैं दैट मेक सम सेंस. इनकी कुछ सेंस निकलती है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, ना ही इसमें वर्ब प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है सेंटेंस. ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. जो क्या करते हैं, हमें कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देते हैं, जिनका हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रहे हैं. तो ये होता है सेंटेंस. सेंटेंस में वर्ब होती है और इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है, एंडिंग फुल स्टॉप से होती है. ठीक है बेटा, ये वर्क आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, आपकी बुक में से इस चैप्टर को दोबारा से ओपन करके रीड करना है, और कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है. नाउ ओपन योर बुक्स बेटा, पेज नंबर 6. ओपन योर बुक्स चैप्टर 1 पेज नंबर 6. सी द फर्स्ट एक्सरसाइज. वी विल डू एक्सरसाइज फर्स्ट. एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है बेटा, ए वाली है हमारी. रीड द क्वेश्चन. अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हमको ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, लुक एट योर बुक. आपके जो बुक में ये बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है क्या होता है बेटा, पता है ना, जैसे ए बी सी डी, इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट चलता जाता है टू जेड तक. कहाँ तक होता है, जेड. ये हमारे होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसी ऑर्डर से, इसी सीरीज से हमको अपने वर्ड्स इस बॉक्स में से निकाल कर नीचे अरेंज करने हैं. ओके बेटा, तो देखिए फर्स्ट वर्ड हम क्या
क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे? ए से कोई वर्ड है हमारे बॉक्स में? यस है। क्या है? ऑल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे? ऑल। ओके, नेक्स्ट वर्ड, बी से कोई वर्ड है हमारे बॉक्स में? नो, बी से कोई वर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या आता है सीरीज में? सी। तो सी से कोई वर्ड है हमारे पास? है। क्या है? कैपिटल। तो क्या लिखेंगे हम सेकंड नंबर पे? कैपिटल। ओके बेटा, दूसरी चीज आप नंबरिंग देखना, मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग नंबरिंग मेंशन किया है यहाँ पे, उसी अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स लिखने हैं। ऐसा नहीं कि कैपिटल आप यहाँ पे लिखेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वन नंबर पे ऑल, टू नंबर पे कैपिटल। अब नंबर थ्री पे सी के बाद डी, डी आता है तो डी से कोई वर्ड है? नहीं है। तो डी के बाद क्या आता है? ई। ई से कोई वर्ड है? यस। क्या है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लिख देंगे हम लोग थ्री नंबर पे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, ई के बाद एफ आता है तो एफ से वर्ड है हमारे पास? फुटबॉल। फोर नंबर पे हम क्या लिखेंगे? फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइव नंबर पे क्या आएगा? एफ के बाद क्या आता है? जी। तो जी से वर्ड है गार्डन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? फिफ्थ नंबर पे गार्डन। जी के बाद आता है एच, एच से हमारे पास वर्ड है हॉर्स। सिक्स नंबर पे क्या लिख देंगे हम? हॉर्स। ओके, नेक्स्ट एच के बाद क्या आता है? आई। आई से कोई वर्ड है? नो, आई से कोई वर्ड नहीं है। तो हम आगे नेक्स्ट वर्ड पे चढ़ेंगे, जे। जे, जे से क्या है हमारे पास? जंगल। सेवन नंबर पे हम लिख देंगे जंगल। ओके, नेक्स्ट आता है जे के बाद क्या आता है? के। के से क्या होगा यहाँ पर? कोई वर्ड है के से? यस। क्या है? काइंड। तो हम एक नंबर पे क्या लिख देंगे? काइंड। नेक्स्ट है हमारा के बाद क्या आता है? एल। एल से कोई वर्ड है? यस। क्या है? लव। तो नाइन नंबर पे हम क्या लिख देंगे? लव। नेक्स्ट आता है एल के बाद क्या आता है? एम। एम से कोई वर्ड है? नो, एम से भी नहीं है, एन से भी नहीं है, ओ से भी नहीं है, पी से भी नहीं है, उसके बाद क्यू से भी नहीं है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट किससे आ रहा है? आर से। आर से क्या है हमारे पास? रोप। तो टेन नंबर पे हम क्या लिख देंगे? रोप। ओके, रोप के बाद, आर के बाद हमारे पास आता है एस। एस से हमारे पास वर्ड है स्काई, तो हम इलेवन नंबर पे लिख देंगे स्काई। ओके, एस के बाद टी। टी से क्या होता है? हमारे पास टॉय दिया हुआ है, तो हम 12 नंबर पे क्या लिख देंगे? टॉय। उसके बाद यू आता है, यू से कोई वर्ड नहीं है। वी, वी से हमारे पास है विलेज, तो 13 नंबर पे हम लिख देंगे विलेज। नेक्स्ट वर्ड वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू से कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद वाई, वाई से क्या है हमारे पास? यॉक, तो हम 14 नंबर पे क्या लिख देंगे? यॉक। ओके, नेक्स्ट लास्ट वर्ड जी, जी से हमारे पास क्या है? जू, तो हम लास्ट में 15 नंबर पे लिख देंगे जू। ओके बेटा, कंप्लीट हो गए हमारे 15 वर्ड्स। ओके, कोई वर्ड छूटा नहीं है हमारे पास, फिल हो गई हमारी एक्सरसाइज। ओके, ये आपको अपनी बुक में विद पेंसिल राइट करना है, पेन यूज नहीं करना है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।